अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हो गया भाई साहब? ये बस बैठे हैं। लॉकडाउन की वजह से मालिम खान ने लाइट और गैस वगैरह बंद करी हुई है। काम काज है नहीं, रक्षा ड्राइवर हूँ, रक्षा चलाऊँगा तो कुछ घर का पूरा करूँगा। बच्चों का पूरा करना बड़ा मुश्किल हुआ हुआ है मेरे लिए। भैया इन्होंने 2 महीने का किराया नहीं दिया, जिसकी वजह से इनकी बिजली गैस काट दी गई है। ये 5 बच्चों के साथ हैं, रक्षा ड्राइवर हैं ये, और ये महमूदा मंजूर कॉलोनी, अयूब अंसारी मस्जिद, गली नंबर 3, मकान नंबर 6। ये भाजी क्या हुआ है आप लोगों के साथ? हमने हालात ख़राब की वजह से किराया नहीं दिया 2 महीने का। अब माली मकान इतना तंग कर रहा है, लाइट भी काट दी उसने, गैस भी काट दिया, और कह रहा है 2 दिन के अंदर मकान खाली करो, अगर नहीं करोगे तो मैं सामान उठा के बाहर फेंक दूंगा तुम्हारा। ये देखो, ये इनका घर देखें, इनकी गैस काट दी गई है, इनके चूल्हे में कुछ भी नहीं पकाया आज, क्योंकि गैस ही नहीं है इनके पास। इनका घर है, बहुत गरीब ख़ानदानों में से एक घर है इनका, बहुत गरीब लोग हैं ये लोग, लिहाजा इन लोगों की अगर मदद कोई कर सकता है तो मदद करें, इनकी बड़ी मेहरबानी होगी। 5 बच्चे हैं ये बेचारे, इन बच्चों का क्या कसूर है? इन लोगों ने तो लॉकडाउन नहीं करवाया ना। ये देख भाई, आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह अल्लाह का कोई एक ऐसा बंदा होगा जो आपके घर में आएगा और आपकी मदद यही करेगा। दुआ कर रहे हैं हम, कोई ऐसा अल्लाह का बंदा हमारा साथ दे भाई। मेरे बच्चे डी सेक्टर मंजूर कॉलोनी, गली नंबर 3, मकान नंबर 6, आए इनकी मदद करें, इनका घर देखें, और आप आए इनकी मदद करें खुद अपने हाथों से। अल्लाह मेहरबान।